हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको धन प्राप्ति के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि कौन सा पौधा लगाना चाहिए, और जिनको पता होता है वो आपको कभी बताते नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो बने रहिए, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा सुने। सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। ये पौधा गणेश जी का माना जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से घर में धन की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और इस पौधे को आग्नेय दिशा में लगाना चाहिए। आग्नेय दिशा होती है पूर्व और दक्षिण का कोना। दूसरा पौधा है करसुला ओवाटा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस पौधे को घर में लगाने से घर में धन आकर्षित होता है, यानी कि यह पौधा है वो घर में धन को खींच कर लाता है। आप इस पौधे को भी अपने घर में लगा सकते हैं। तीसरा है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर में यह लगा होता है वहाँ पर धन की वर्षा होने शुरू हो जाती है। यह पौधा वास्तु दोष को दूर करता है, गंदी शक्ति गंदे प्रभावों को दूर करता है। चौथा है केले का पेड़। आपने कई घरों में देखा होगा कि वो केले का पेड़ लगाते हैं, और हमको पता नहीं होता कि उन्होंने क्यों लगा रखा है। घर की चार दीवारी के अंदर केले का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे आप ईशान कोण में लगाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले का पेड़ लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लड़ाई झगड़े कम होते हैं। पांचवा है नारियल का वृक्ष। मान्यता है कि नारियल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। यह मंगलकारी पेड़ घर के प्रांगण में हो तो धन और समृद्धि बनी रहती है। नारियल के पेड़ के होने से राहु और केतु की समस्या नहीं होती। छठा है तुलसी का पौधा। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तुलसी का पौधा है, तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे लगाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तुलसी में सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, इसीलिए अगर कोई इसकी पत्तियों का भी सेवन करता है तो उसको कोई गंभीर रोग नहीं होता है। आप इस पौधे को भी अपने घर में लगा सकते हैं। अगला पौधा है अश्वगंधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि भी है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगला पौधा है कनेर का। कनेर की तीन तरह की प्रजातियां होती है, एक सफ़ेद कनेर, दूसरा लाल कनेर और तीसरा पीला कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं और पीले रंग के जो फूल है वो भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं और विष्णु को ये प्रिय होते हैं। अगला पौधा है श्वेतारक। श्वेतारक दूध वाला पौधा होता है जो गणपति का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध से युक्त पौधे का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, किंतु जो श्वेतारक है वो इसका अपवाद है, यानी आप इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूध वाला पौधा है उसे आप घर में ना लगाएं। अगर आप इसे अपने घर के समीप भी उगा लेते हैं तो इससे घर में सुख शांति और बरकत सदैव बनी रहती है। अगला पौधा है अपराजित का। जो श्वेत रंग का अपराजिता का पौधा होता है उसे बहुत शुभ बताया गया है। यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अगला पौधा है हरसिंगार का। पारिजात के फूलों को हरसिंगार और शेफालिका भी कहा जाता है। यह वृक्ष जिस भी घर के आंगन में होता है वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा आप रजनीगंधा का पौधा भी अपने घरों में लगा सकते हैं। इसकी तीन किस्में होती है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है और यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप घर में कौन से पौधे लगाएं जो आपको कुछ ही समय में करोड़पति बना दे, घर में सुख समृद्धि लाए, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते, काम आपके बनने लगे, किसी भी काम में बाधा ना आए और भी बहुत सारे फायदे आपको हों। वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाए।
इन पौधों के बारे में मैंने आपको बताया। ये पौधे हैं मनी प्लांट, करसुला ओवाटा, लक्ष्मणा, केले का पेड़, नारियल का वृक्ष, तुलसी का पौधा, अश्वगंधा, कनेर, श्वेतारक, श्वेत अपराजिता, हर श्रृंगार और रजनीगंधा। आप इनमें से किसी भी पौधे को लगा सकते हैं। अगर आपके घर में ये पौधे लगे हुए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।